इंग्लैंड अगले साल फरवरी मार्च में भारत दौरे पर 12 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा और अहमदाबाद में बना नया सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम इन 12 मैचों में से 7 मैचों की मेजबानी करेगा। दरअसल सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम भारत के दूसरे डे नाइट टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। भारत इस स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ 24 से 28 फरवरी के बीच गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेलेगा। ये दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच होगा। बीसीसीआई ने गुरुवार को इंग्लैंड के भारत दौरे के कार्यक्रम की घोषणा की है। दरअसल इस सीरीज में 4 टेस्ट, 5 टी20 और 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे में खेले जाएंगे। दरअसल इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के बाद सीधे भारत दौरे पर आएगी। भारत दौरे पर वो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी जो कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगा। वहीं WTC के तहत दोनों टीमों के बीच अंतिम सीरीज होगी क्योंकि इसके बाद जून में लॉर्ड्स में WTC का फाइनल खेला जाएगा। मोटेरा स्टेडियम तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की मेजबानी के अलावा दोनों टीमों के बीच होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज की भी मेजबानी करेगा। वहीं सरदार पटेल स्टेडियम की क्षमता 1,00,000 दर्शकों की है। इससे पहले भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में बीते साल नवंबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। वहीं आपको बता दें इंग्लैंड के भारत दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी। पहला टेस्ट 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई का MA चिदम्बरम स्टेडियम पहले मैच के अलावा दूसरे टेस्ट मैच की भी मेजबानी करेगा। दूसरा टेस्ट 13 से 17 फरवरी के बीच खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट अहमदाबाद में और चौथा टेस्ट भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम में 4 से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। इस स्टेडियम की क्षमता 1,00,000 बताई जा रही है। वहीं टी20 सीरीज की शुरुआत 12 मार्च से होगी। 14, 16, 18 और 20 मार्च को बाकी के टी20 मैच खेले जाएंगे। ये सभी मैच मोटेरा में ही होंगे जिससे एक बात तो तय है कि यहाँ नए भव्य स्टेडियम दोनों टीम के लिए सबसे लंबे समय तक बायो बबल का काम करेगा। इस तरह वनडे सीरीज के लिए पुणे का महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम बायो बबल बनेगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज के सभी 3 मैच 23, 26 और 28 मार्च को इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे। कोविड-19 के बाद पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा। महामारी के कारण इस बार IPL का आयोजन भारत के बाहर संयुक्त अरब अमीरात में कराया गया था। वहीं BCCI द्वारा जारी बयान में सचिव जय शाह के हवाले से लिखा गया है, BCCI की प्राथमिकता दोनों टीमों का स्वास्थ्य है और हम इस बात को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि यहां दौरा BCCI और ECB की मेडिकल टीम की सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक हो। दोनों बोर्ड ने इस सीरीज के लिए मिलकर काम किया है। ये कोविड-19 के बाद भारत की घर में पहली द्विपक्षीय सीरीज होगी। ECB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन ने कहा, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में काफी अहम होती है और पूरे विश्व के प्रशंसक इसमें रुचि रखते हैं। हम BCCI की प्लानिंग से काफी खुश हैं। उन्होंने चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे 3 स्थलों को चुना है जो बायो सिक्योर बबल में मेजबानी करने को तैयार है। भारत दौरे पर आने से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगले महीने गोल स्टेडियम में बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 14 से 18 जनवरी के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट 22 से 26 जनवरी के बीच खेला जाएगा। ये दौरा मार्च में होना था लेकिन वार्म अप मैच के बाद कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। भारत को अगले साल अगस्त सितंबर में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा भी करना है। वहीं इंग्लैंड दौरे पर भारत को पहला टेस्ट नॉटिंगम में 4 से 8 अगस्त तक, दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में 12 से 16 अगस्त तक, तीसरा होल्डिंग में 25 से 29 अगस्त तक, चौथा ओवल लंदन में 2 से 6 दिसंबर तक और पांचवा और अंतिम 10 से 14 दिसंबर तक मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच की टी20 सीरीज का शेड्यूल कुछ इस तरह से होने वाला है। पहला टेस्ट 5 से 9 फरवरी चेन्नई में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट 13 से 17 फरवरी चेन्नई में, तीसरा टेस्ट 24 से 28 फरवरी अहमदाबाद जो कि डे नाइट होगा, वहीं चौथा टेस्ट 4 से 8 मार्च अहमदाबाद में। वहीं टी20 सीरीज की बात की जाए तो पहला टी20 इंटरनेशनल 12 मार्च मोटेरा में खेला जाएगा, वहीं दूसरा टी20 इंटरनेशनल 14 मार्च मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं तीसरा टी20 इंटरनेशनल 16 मार्च मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं
चौथा T20 इंटरनेशनल 18 मार्च मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पांचवा T20 इंटरनेशनल मैच 20 मार्च मोटेरा में खेला जाएगा। वहीं वनडे सीरीज की बात की जाए तो पहला वनडे 23 मार्च को पुणे में, दूसरा वनडे 26 मार्च को पुणे में, तीसरा वनडे 28 मार्च को पुणे में खेला जाना है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।